हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में ही आ गया होगा कि हम आज लीनियर एल्जेब्रा का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लीनियर एल्जेब्रा का सॉल्यूशन, वो भी नवंबर 2020 का, 13 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट बी से टोटल 6 क्वेश्चन आज किए गए थे। तो आज के इस वीडियो में वो सारे 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ये जो लीनियर एलजेब्रा का पार्ट बी के हैं सारे क्वेश्चन, सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है लेट एस इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री अप टू यू के बी द सबसेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स फ्रॉम आर एन। नाउ कंसिडर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन आर एन देन यू के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वन यू टू अप टू यू के माइनस वन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन आर एन देन के मस्ट बी लेस देन एन हियर। सो वी हैव टू फाइंड स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स हियर। सो तो यहाँ से हम आर फोर एक सेट लेके चलते हैं। आर फोर सेट से एलिमेंट, आर फोर से हम सेट से हम एलिमेंट लेके चलेंगे यहाँ से। सो यहाँ से हम एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 0 एंड देन फोर्थ एलिमेंट हम मान के चल रहे हैं यहाँ से 1 1 0 0। अब ये हमारा सेट हो गया एस। एज वी कैन सी ये सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ से हम इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट का सम अगर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये एलिमेंट बन जाना है। तो ये सेट हो गया हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। देन यहाँ से ये एल डी हो गया। देन यू के इज एल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वन यू टू अप टू यू एन। बट यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हमने ये तीन एलिमेंट्स तो ले लेने, इस दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा एलिमेंट हो गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट तो हो गया। बट यहाँ से ये जो रिमेनिंग एक एलिमेंट बचा है इसको हम किसी भी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल हो गया और इस काउंटर एग्जांपल से हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। और अगर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है देन यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। यहाँ से हमने ये साबित कर दिया है कि इन दो ये एल डी सेट है और इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट स्टिल रिमेन कर रहा है, स्टिल रिमेनिंग है, देन जिसकी वजह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है यहाँ से देन फर्स्ट स्टेटमेंट से जुड़े हुए जो जो स्टेटमेंट्स है जो से ट्रू बता रहे हैं वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सो ऑप्शन बी और डी यहाँ से इनकरेक्ट हो गए यहाँ से इस काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से। अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकेंड की ओर। स्टेटमेंट सेकेंड हमें क्या कहता है। अब स्टेटमेंट सेकेंड कहता है इफ एस इज एल आई, एस हमने अब एल आई सेट लेना है देन के मस्ट बी लेस देन एन। तो ये अब कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि एक ऐसा सेट लें देन उस सेट का जो एलिमेंट्स है वो एन, जो हमने एस सेट लिया है उससे ये जो एस सेट हमने जो लेना है इसकी वैल्यू आर एन से कम हो, कुछ ज़रूरी नहीं है ऐसा। हम एक सेट ले लेते हैं इसके लिए हम सेट अज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने एक सेट एस मान लेना है, एस सेट हम ले सकते हैं यहाँ से 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 ले लो, ये सेट हो गया, ये एल आई सेट है। और यहाँ से एन की वैल्यू क्या है 3, और सेट में एस में कितने एलिमेंट है, सेट एस में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही है, के इक्वल्स टू एन है हमारे पास, के इक्वल्स टू एन है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते एस वन और एस टू दोनों इनकरेक्ट हो गए, और एस वन और एस टू दोनों इनकरेक्ट होते हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एम बी 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्री सच दैट रैंक ऑफ एम इक्वल्स टू 3। कंसीडर द लीनियर सिस्टम एम एक्स इक्वल्स टू बी, लेट द रोस रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम बी बी आर एंड लेट आर आई डॉट डिनोट्स द आईथ रो ऑफ आर। Suppose that the linear system admits a solution. Which of the following statement is necessarily true? So first of all हमें यहाँ true statement बताना है and so given conditions में क्या क्या दिया हुआ है। m 5x5 की एक matrix है, साथ ही rank of m is equals to 3 दी हुई है
और यहाँ से एम एक्स इक्वल्स टू बी लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ से जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स हियर। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से क्या कहा गया, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम यहाँ से इक्लन फॉर्म बनाते हैं, तो इक्लन फॉर्म बनाते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं, इक्लन फॉर्म बनाते टाइम पहली कंडीशन ये रहती है हम रोज को रिड्यूस करते जाते हैं और लास्ट में जो जितने भी जीरो रोज आती जाती है वो सारी नीचे लिखते जाते हैं, और ऊपर ऊपर जो भी रोज आती है वो नॉन जीरो आती जाती है। तो यहाँ से हमारे पास रैंक 3 दी है, यानी एटलीस्ट 3 रो तो होगी जो एग्जैक्टली नॉन जीरो होगी। अब रैंक 3 है तो बाकी बची हुई 3 के बाद की जो भी रो है वो तो सारी जीरो ही होगी ना। सो यहाँ से हमें 5x5 की मैट्रिक्स दी है, सो लेट अस टेक अ 5x5 मैट्रिक्स। तो अगर उसके लिए इकलन फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो इकलन फॉर्म में 3 तो रो हमें रैंक m की 3 दी है, तो रैंक अगर 3 है तो एटलीस्ट 3 जो रो आएगी वो नॉन जीरो आएगी एग्जैक्टली में, जो करस्पॉन्डिंगली एल आई भी होगी एक दूसरे से, और बाकी जो 2 रोज आएगी वो आएगी हमारे पास यहाँ से कम्प्लीटली जीरो। सो हम यहाँ से स्टार्टिंग की 3 रो के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट ये जो 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी इसमें 2 रो तो कम्प्लीटली जीरो आएगी, ये हमें इकलन फॉर्म कह रही है क्योंकि इसकी रैंक 3 है। सो अब अगर इसकी इकलन फॉर्म की बात करें, आर आई डिनोट्स आईथ रो ऑफ आर है, और आर यहाँ से इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जो रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म बना रही है। सो यहाँ से ये हमें क्या कह रही है, इसकी 4th रो आएगी 0 और 5th रो आएगी 0, बट यहाँ से ये ऑप्शन तो कह रहा है इसकी 5th रो आएगी, ये तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, और यहाँ से ये ऑप्शन कह रहा है 4th रो आ रही है, ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन ए और डी की अगर बात करें, ए ऑप्शन कह रहा है अब जरूरी थोड़ा ना ये ही रो बने, ये कोई कन्फर्म नहीं है, बट हमें यहाँ से पूछा नेसेसरली ट्रू, सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जो 4th रो और 5th रो बन रही है वो एग्जैक्टली में जीरो आएगी। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 एंड अल्फा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस आई प्लस ए एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हियर। सो यहाँ अल्फा और बीटा में रिलेशन दिए हैं और हमें बताना है कौन सा रिलेशन यहाँ ट्रू होगा। तो अगर हम यहाँ से एक काउंटर एग्जाम्पल से लें और ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए तो वही काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल से अगर ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं वो बहुत ईजी रहता है करना। तो अगर यहाँ से उसी तरीके से अगर हम लेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं इसके लिए ए, हम जो मैट्रिक्स लेंगे यहाँ से ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ए इज इक्वल्स टू हियर 0 1 0 1 0 0, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लेनी ए। तो अब बी बेटा है यहाँ से इसका ट्रेस, तो ये बेटा क्या होगा यहाँ से इसका ट्रेस आ जाएगा हमारे पास 0, बेटा इक्वल्स टू 0 आ गया, और अल्फा आ रही है डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए आर है। अब आई प्लस ए अगर करेंगे देन इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, पहले आई प्लस ए बना लेते हैं, 1 1 0 1, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास 1। सो अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 1 और बीटा इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 0 यहाँ से। सो ऑप्शन ए अगर देखें, ऑप्शन ए कह रहा है बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, बट बीटा माइनस अल्फा हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ 1, और माइनस ऑफ 1 प्लस 1 आपस में बराबर नहीं होते, ऑप्शन ए हो गया डिस्कार्ड। सिमिलरली ऑप्शन डी अगर देखें, अल्फा यहाँ से है हमारे पास 1 और बीटा है हमारे पास 0, सो 1 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 होता है बट यहाँ से ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये कंडीशन भी यहाँ से डिस्कार्ड होगी। ए और डी डिस्कार्ड हो गए। अब बी और सी के लिए एक और काउंटर एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं तो वो तो कंफर्म है, ये तो करेक्ट होंगे नहीं, ए और डी हमने एक काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर दिया। अब चलते हैं अगले काउंटर एग्जांपल पर, हम पहले काउंटर एग्जांपल से ए और डी डिस्कार्ड करके आए हैं, अब बी और सी की बात है। अब ए हम लेके चलते हैं यहाँ से, ए हमने मैट्रिक्स ले लेनी है 1 0 0 1, पहले हमने ली थी जो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 थी, अब 1 0 0 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से बिट्टा इक्वल्स टू ट्रेस आ गया इसका 1, और आई प्लस ए अल्फा क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा 2 0 1 1, तो डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास यहाँ से 2। अब यहाँ से सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इसके लिए 2 - 1 = 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, करेक्ट नहीं कर सकते हैं बट स्टिल डिस्कार्ड नहीं होगा। सेकेंड थर्ड कंडीशन में देखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 2 आ रहा है यहाँ से और बीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 2 < 2 ऑप्शन सी से, तो यहाँ से 2 < 2 तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। ए डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया और डी डिस्कार्ड हो गया, जो बचा हुआ वही करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया, हमने काउंटर एग्जांपल से इस क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी एंड सी
बी डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट इंटीजर हमें क्या कहते हैं, ना तो ए बी के बराबर होगा ना सी के बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। एंड लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ पॉसिबल रैंक्स हियर। सो पहली बात तो हमें यहाँ से ये दी हुई है ए बी सी, तीनों डिस्टिंक्ट है, ना तो ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है। सो अब फर्स्ट ऑफ, अब यहाँ से इस मैट्रिक्स को अगर हम लिखें, लेट अस टेक, सो इफ वी आर टॉकिंग फर्स्ट ऑप्शन हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट रैंक इज जीरो, इफ जीरो रैंक इज पॉसिबल, दिस वन इज इंप्लाइंग मैट्रिक्स ए इज कम्प्लीटली जीरो, इफ मैट्रिक्स ए इज कम्प्लीटली जीरो देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो हियर, सो दिस वन इज इंप्लाइंग ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हियर विच इज इक्वल्स टू जीरो, सो हियर गिवन दैट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, सो ऑप्शन इज, ऑप्शन डी इज डिस्कार्डेड। नाउ लेट अस टेक ऑप्शन बी हियर, इफ ऑप्शन बी इज पॉसिबल देन रैंक ऑफ ए वन इज पॉसिबल, इफ वन रैंक इज पॉसिबल देन वी कैन से दैट रैंक इज इक्वल्स टू हाइएस्ट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो माइनर हेयर, सो इफ रैंक ऑफ वन इज, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन हेयर, सो दिस वन इज इम्प्लाइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, सिमिलरली टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो जीरो हेयर, सो इफ वी टेक एनी टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट, लेट इस टेक हेयर दिस वन टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट हेयर, सो इफ वी टेक हेयर दिस टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट हेयर, सो वी कैन राइट इट एज हेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए रेस टू द पावर फाइव बी रेस टू द पावर फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, एनी टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट यू कैन टेक एनी अदर डिटर्मिनेंट ऑल्सो बट वैल्यू रिमेन सेम हियर, सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी कैन राइट इट एज हियर ए रेस टू ए स्क्वेयर बी रेस टू द पावर फाइव माइनस ए रेस टू द पावर फाइव बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जीरो, सो वी कैन टेक ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर एज कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म्स आर हियर बी रेस टू द पावर थ्री माइनस ए रेस टू द पावर थ्री इक्वल्स टू जीरो, if a or b any other anyone is zero, so this one is implying here you then we don't have to take a or b equals to zero, in case if we take a or b equals to zero any one of the zero, if let us take a equals to zero then aap koi aur टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट लेके और ट्राई कर सकते हो। अब मान लो आपने यहाँ से ए जीरो ले लिया, उसके बाद बी और सी वाला केस लोगे, उसमें आप बी या सी को जीरो नहीं ले सकते, अगर जीरो ले लिया तो वो डिस्टिंक्ट कंडीशन वाला केस खत्म हो जाना है, इस वजह से किसी को भी जीरो ना लेके ट्राई करना है इसे। अगर इसमें से ए और बी दोनों ही अगर जीरो नहीं है तो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ए बराबर बी आएगा, और ए बराबर बी आते डिस्टिंक्ट कंडीशन खत्म होगी, तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है इसकी रैंक ए भी नहीं हो सकती, एक भी नहीं होगी, और अगर रैंक एक नहीं होगी तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, हम टू क्रॉस टू की ऐसी मैट्रिक्स ले सकते हैं जिससे इसकी रैंक टू भी आ सकती है और थ्री भी आ सकती है, तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन जो है बी ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए हमारे पास यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल है। लेट अस टेक ए इज इक्वल्स टू प्लस वन बी इज इक्वल्स टू हियर माइनस ऑफ वन एंड सी इज इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल्स टू वन 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 हियर, दिस वन इज प्लस वन माइनस वन जीरो जीरो एंड जीरो हियर, सो अगर इसके लिए डिटर्मिनेंट देखेंगे कॉलम पूरा जीरो है तो इसके डिटर्मिनेंट तो इसका जीरो है, अगर रैंक तो इसकी तीन होगी नहीं, अगर रैंक तीन नहीं है तो अगर टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट देखते हैं यहाँ से, टू क्रॉस टू का ये डिटर्मिनेंट ले लो माइनस वन विच इज इक्वल्स टू माइनस टू, नॉन जीरो माइनर आ गया, नॉन जीरो माइनर आते इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक हो जाएगी हमारे पास टू, और रैंक टू पॉसिबल है। सिमिलरली अगर कोई अलग कंडीशन ले लेते हैं उसके लिए तीन रैंक भी आ जाएगी, सो रैंक टू और थ्री दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो ऑप्शन बी आएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर प्रोडक्ट ऑन अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ जीरो टू वन, सो हमें बताना है कौन सा इनर प्रोडक्ट होगा। सो अगर इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस की बात करें, इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस में आती है अगर कोई भी फंक्शन इनर प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ से पहला तो होता है नॉन नेगेटिविटी, अगर हम कोई भी फंक्शन एफ लेते हैं देन एफ दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड एफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो, दिस वन इज इम्प्लाइंग एफ इज आइडेंटिकली जीरो हियर। सो ये थे हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड होती है हमारे पास सिमेट्री, सिमेट्री कहती है एफ एंड जी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी बार इज इक्वल्स टू एफ जी एफ एंड जी हियर, दिस वन इज सेकंड कंडीशन, नाउ जी एफ हियर। और थर्ड कंडीशन हमारे पास कहती है अगर एफ और जी कोई दो फंक्शन है एंड तीसरा फंक्शन हमारे पास एच है, सो एफ प्लस एच
एन जी एफ एच हियर, हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं एफ एच प्लस जी एच। तो यहाँ से अभी एंड देन फोर्थ कंडीशन हमारे पास यहाँ से है, अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सी एफ एंड जी हियर, सो वी कैन राइट इट एज सी एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी हियर। तो ये चार कंडीशंस हैं हमारे पास इनर प्रोडक्ट की। तो यहाँ से हमारे पास अभी जो काम किए हम इन्हीं दो कंडीशन से टेस्ट कर लेंगे इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो अभी हमारे काम की ये दो ही कंडीशन है। सो अगर यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेंगे, यहाँ से अगर हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लेट अस टेक एफ इज इक्वल, तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं, लेट अस टेक सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। इफ सी इज इक्वल्स टू माइनस वन देन सी एफ जी कैन बी रिटन एज हियर माइनस ऑफ एफ जी हियर। सो सी ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जी, एंड देन फर्स्ट कंडीशन से हमें यहाँ से इसके लिए लिखना है मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन माइनस ऑफ एफ इन टू जी डी टी हियर। सो वी कैन राइट इट एज दिस वन इज प्लस, क्योंकि मॉड्यूलस के आगे सारा प्लस हो जाता है। सो वी कैन राइट इट एज प्लस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ जी डी टी हियर। और अगर यहाँ से हम माइनस ऑफ, और यहाँ से हमें पता है इनर प्रोडक्ट में होता है सी एफ जी इज इक्वल्स टू सी इन टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी है। सो यहाँ से अगर लेंगे सी ऑफ एफ जी क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ जी डी टी है। सो यहाँ से ये दोनों पार्ट्स हमेशा इक्वल हो, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से। सेम काउंटर एग्जाम्पल हमने दूसरे वाले में अप्लाई करना है। यहाँ से भी अगर यही अप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलस की वजह से पहले प्लस आ जाएगा और सेम माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। तो यहाँ से इस पे भी ये सेम काउंटर एग्जाम्पल अप्लाई होने की वजह से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। तो दो ऑप्शन हमने सेम काउंटर एग्जाम्पल से कर लेना है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लेते हैं एफ, एफ के लिए हमने कहा है एफ और एफ अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता है, और इन केस यदि जीरो आता है इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो यदि हमारे पास इक्वल्स टू जीरो आ जाता है देन उस केस में क्या होता है, एफ इज आइडेंटिकली जीरो होता है। तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन कोई फंक्शन ले लिया हमने, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो अगर इनर प्रोडक्ट देखेंगे एफ का, एफ से ऑप्शन थ्री में, तो यहाँ से ये इसका इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा, बट एफ तो हमारे पास आइडेंटिकली जीरो है नहीं। तो यहाँ से इस काउंटर एग्जाम्पल से हमने ऑप्शन सी डिस्कार्ड कर देना है, और जो बचा है वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको जो पहले चार प्रॉपर्टी बताई गई है आप उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखिए, आप वो चारों प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन के फोर्थ ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट अस डिफाइन अ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम एंड आर बी द पॉजिटिव इफ फॉर एवरी कॉलम वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर एन ए वी वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जहाँ से ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है आर एन पे, ए अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा, हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, साथ ही एस एक सेट दिया गया है सारे अल्फा बीटास का जो आर स्क्वायर में बिलोंग करें, जिसके लिए ए अल्फा इज पॉजिटिव होगी, ए अल्फा हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हियर। तो यहाँ हमें ट्रू बताना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है ट्रू पूछा हुआ है या फॉल्स पूछा हुआ है। कई बार फॉल्स पूछा होता है और हम ट्रू क्लिक करके आ जाते हैं, एक ही ऑप्शन देखते हैं ट्रू हो गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, पार्ट बी का है। बट ट्रू और फॉल्स ध्यान रखना चाहिए, उसे हाईलाइट कर लेना चाहिए। बट हाँ, अब तो ऑनलाइन एग्जाम है तो हाईलाइट का तो ऑप्शन होता नहीं है। सो चलिए मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ हमें ये मैट्रिक्स दी और एस हमें जो सेट दिया, एस के बारे में हमें पूछा गया एस किस टाइप का सेट होगा। तो यहाँ से हमें बताना है जिसके लिए एस हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाए। तो वैसे मैंने आपको डेफिनेशन पहले बताई हुई है इनर प्रोडक्ट्स की पॉजिटिव डेफिनेट बताने के लिए, बट यहाँ से अगर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जाएंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दी है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एज वी कैन सी यहाँ से ए अल्फा बीटा भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ से ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी इसके लिए इसका 1x1 का डिटर्मिनेंट, ए 1 ग्रेटर देन 0 है, ए 2 2x2 की जो डिटर्मिनेंट है प्रिंसिपल माइनर वो ग्रेटर देन जीरो है, और इसका कम्प्लीटली ए 3x3 का डिटर्मिनेंट भी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इस केस में ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो अगर इसे पॉजिटिव डेफिनेट बताना है तो इसके तीनों 3x3 के 1x1 का और 2x2 का प्रिंसिपल माइनर जाएगा, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। सो यहाँ से ये कहा गया है कि एस सारे पॉजिटिव डेफिनेट का कलेक्शन है अल्फा बीटा की उन वैल्यूज़ के लिए। तो अगर यहाँ से मैट्रिक्स, एक कंडीशन तो ये होती है पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, दूसरी कंडीशन होती है पॉजिटिव डेफिनेट अगर मैट्रिक्स लेनी हो तो आप डायरेक्टली देख सकते हो जो हमारे पास प्रिंसिपल
डायगनल प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगनल जो होता है उसके सारे एलिमेंट भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। इन केस कोई भी नेगेटिव आ रहा है, इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो वो पॉजिटिव डेफिनेट किसी भी केस में नहीं होगी। तो यहाँ से अगर देखोगे ये एलिमेंट जीरो आ गया तो ये मैट्रिक्स किसी भी केस में पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। तो आपने ये कंडीशन अगर ध्यान हो तो आपको देखते ही क्लिक कर देना चाहिए, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एस इज एम्प्टी। और अगर आप डिटर्मिनेंट का केस भी लेके चलोगे तो ये भी फिर भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट देखोगे तो यहाँ से 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अल्फा 1 1 0, जो कि आएगा -1। अगर -1 आ रहा है तो लेस देन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन होल्ड नहीं होनी, तो ऑप्शन सीधा सा डिस्कार्ड हो गया ना। तो यहाँ से ए अल्फा बीटा पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से आप उसी कंडीशन से कह सकते हो, यहाँ से आपको पॉजिटिव की डेफिनेशन दी हुई है, तो या तो आप इसके तरीके से चलोगे, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट यहाँ से अगर आप सीधा सा देख लोगे ए अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो किस केस में होगी, आपको कंडीशंस अगर पता हो देन यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। स्टिल किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कमेंट का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।